लेटेस्ट खबरों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें गजब समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब समाचार। अगर आप भी रेलवे में सफर करते हैं तो आपको अपनी जेब और भी ढीली करनी पड़ सकती है। दरअसल अब यात्रियों को ट्रेन में अपनी पसंद की वर्थ चुनना और त्योहारों को वक्त यात्रा महंगा पड़ सकता है। रेलवे की किराया समीक्षा समिति ने रेलवे बोर्ड को कुछ ऐसे सुझाव दिए हैं जिन्हें अगर स्वीकार कर लिया गया तो यात्रियों को लोअर वर्थ पाने के लिए ज़्यादा पैसे देने होंगे, साथ ही त्योहारों पर भी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। हवाई जहाज में आगे की सीट पाने के लिए जिस तरह से लोगों को ज़्यादा पैसे देने होते हैं, उसी तरह से रेलवे को भी यात्रियों से पसंदीदा वर्थ के बदले ज़्यादा पैसा लिया जा सकता है। इसके अलावा एसी ट्रेन जिनकी टाइमिंग यात्रियों के लिए सुविधाजनक होती है उसके भी किराया बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें, समिति ने यह भी सिफारिश की है कि रेलवे को फ्लाइट किराए का सिस्टम खत्म करते हुए त्योहारों के वक्त किराया बढ़ा देना चाहिए और खाली दिनों में किराया कम करना चाहिए। इसके साथ ही प्रीमियम ट्रेनों में फ्लेक्सी फेयर सिस्टम की समीक्षा करने के लिए गठित की गई किराया मूल्य समिति ने यह सुझाव दिया है कि रेलवे को एयरलाइंस और होटलों की तरह ही डायनामिक मूल्य मॉडल अपनाना चाहिए। इसके अलावा समिति ने यात्रियों के किराए में छूट देने की भी बात की है। सुझाव दिया गया है कि जो ट्रेन अजीब समय पर गंतव्य स्थान पहुंचती है उसके यात्रियों को डिस्काउंट दिया जाना चाहिए। जैसे अगर कोई ट्रेन रात 12 से सुबह 4 के बीच और दोपहर 1 से शाम 5 के बीच गंतव्य स्थान पर पहुंचती है तो उसके यात्रियों के लिए किराए में छूट मिलनी चाहिए। इसके साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रीमियम ट्रेनों में किराया 50% तक बढ़ाया जा सकता है। समिति ने अपनी रिपोर्ट सोमवार को रेलवे बोर्ड को दी है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि सिफारिश पर मुहर कब तक लगती है। दोस्तों, अगर रेलवे की सिस्टम पे आप भी अपना कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए।